मेरा ब्लॉग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये है मेरा ब्लॉग चैनल, इसमें नया ब्लॉग आ गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, तो जरूर से जगह जगह उठ कर। वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो, और आज की वीडियो में मैं एक ट्रेलर पे रिएक्शन करने वाली हूँ जो कि है वीर वर्सेस हीर रिटर्न, वीर वर्सेस हीर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी थी मेरी तो जरूर से जाकर चैनल पर चेकआउट करना, मैंने उस पर रिएक्शन किया था। हर्ष बेनीवाल की नई वीडियो है एंड नाउ अब हर्ष बेनीवाल एक बार फिर से अपने एक नई वीडियो के साथ तैयार हो गए हैं, वीर वर्सेस हीर रिटर्न। बहुत ज्यादा हंसी आई थी, डेफिनेटली मैं इस पर रिएक्शन करने वाली हूँ एंड जब आएगी वीडियो तब आएगी, अभी फिलहाल ट्रेलर से काम चलाते हैं एंड ट्रेलर को देखते हैं बिकॉज हर्ष बेनीवाल को हम लोग बहुत मिस कर रहे थे। हर्ष बेनीवाल एंड राउंड टू हेल, यार ये दोनों चैनल पता नहीं कहाँ गायब है और ये दोनों चैनल से वीडियोज आ ही नहीं रहे हैं, तो आई थिंक ये लोग गाली वाले कंटेंट ज्यादा बनाते हैं, इस वजह से इनकी कंटेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि कैरी मिनाटी यानी ये सारे लोग जितने भी गाली वाले कंटेंट बनाते थे ना, ये लोग का मतलब यू नो अभी यूट्यूब ने जो किया है येलो डॉलर वाला जो कांड किया ना, अभी मैं क्या बताऊं, तो उसके वजह से बहुत से लोग अपसेट है, बहुत से यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम हो रही है। बट साफ सुथरी वीडियो हर कोई नहीं बनाता है, बहुत से लोग एडल्ट लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो यूट्यूब को ऐसी चीजें समझनी चाहिए। टेंशन तो कर ही रहे ना कि 18+ के लिए 18+ कर दो, लेकिन येल्लो डॉलर मत करो यार, येल्लो डॉलर का कॉन्सेप्ट हटाना चाहिए यूट्यूब को। तो जो भी है ये मेरा व्यू है, अगर आपका कुछ और व्यू हो तो डेफिनेटली इसे कमेंट करो एंड चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बताएंगे कैसे लगा, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ हाँ मेरी शादी होने वाली है। Fuck, fuck, संभोग। अर्जुन, are you ready for the bachelor's party in the hills? अरे बाप रे। सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रुथ है, ट्रुथ है, ट्रुथ है, ट्रुथ है जी, ट्रुथ है। देख यार आसपास कोई नहीं है तेरा पीस खराब करने के लिए, सिर्फ तू है, हम है, यासीन वादिया है, ये अंधा बूढ़ा अंकल है, अनीशा है, अनीशा है, एक तो भैंचोद अनीशा मना लिया ही क्यों? अरे आई तो आई, उस चील को क्यों ले आई अपने साथ, इससे पहले क्यों चील मेरी आंखें नोच के कौओं को खिला दे, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? तीन? पर भाई जी तुम तो चार हो ना? हम तीन है। तीन नहीं है, चार है। भाभी नंगी है। आई हैव अ डील फॉर यू। मैं अपने दोस्तों को ला सकता हूँ? मुझे ना अकेले बहुत डर लग रहा था, तो मैं तुम्हारे ऊपर सो जाऊँ? मुझे शुरू से ही पता था कि तुम मेरे जिस्म की भूखी हो। सौ मंगल आंट खुजाई, बुध गुरु हाथ खिसाई, शुक्र शनि पहला पहलाई और संडे संडे को रे। ओ कल आने वाला है 2 बजे, ओके तैयार रहेंगे, रिएक्शन बनाना बनता यार, बहुत ही हंसी आती, बहुत ही ज्यादा आती। ओके तो ये एडल्ट लोगों के लिए है, प्लीज 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 बच्चे ना देखे एंड अगर मेरा बच्चे चैनल देखते, बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल को देखते हैं, तो प्लीज गाइज इस रिएक्शन को मत देखना, बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, हर्ष बेनीवाल इतना हंसाते यार, अपना उनका कॉमेडी टाइमिंग इतना अच्छा है, मुझे लगता है कि उनको मूवीज में होना चाहिए था। ऐसे ऐसे रिएक्शंस देते हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग्स वो बोलते हैं ना कि मतलब अब सोचते रहते हैं हम लोग कि यार कितनी ज्यादा हंसी आती है। दैट इज व्हाई मैं हर्ष बेनीवाल की वीडियोस पे रिएक्शन करती हूँ, क्योंकि मुझे हर्ष बेनीवाल की टाइमिंग बहुत अच्छी लगती है, उनका कॉमेडी सेंस बहुत अच्छा है। तो
या मुझे उनकी कॉमेडी वीडियोस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बीच में उन्होंने एक इमोशनल वीडियो भी बनाया था जो एक डॉगी के साथ था, बट वो वीडियो में भी काफी ज्यादा हंसी थी एंड थोड़ा सा इमोशनल था। हर्ष बेनीवाल काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं तो डेफिनेटली उनका चांस बनता है एक्टिंग यानी डेब्यू करने का मूवी में, तो देखते हैं कब होता है कैसा होता है, तो उस मूवी पे भी रिएक्शन कर डालेंगे। वैसे ट्रेलर पे तो कर ही डालेंगे जो भी है, लेकिन अभी वो बात की बात है। लेकिन इस वीडियो में बहुत एंजॉयफुल होने वाला है, जैसे कि उन्होंने बताया कहानी ये होने वाली है कि वो लड़की फिर से वापस आने वाली है एंड वो लड़की वापस आएगी एज ए वाइफ, मतलब कि वो साथी से शादी कर लेगा एंड उसके बाद वो लोग एक अलग से ट्रिप प्लान करेंगे जिसमें कि वो लड़की नहीं जाने वाली बट फिर भी वो झूठ बोल के उससे जाएंगे कि हाँ हम लोग जा रहे कहीं और, लेकिन वो उसका हस्बैंड बना है वो छुपता फिरेगा, जो कि हमारे मोहित चिकारा जी है वो छुपते फिरेंगे एंड छुपन छुपाई में ही कुछ मुझे लगता है कांड होने वाला है। डेफिनेटली बहुत मजे आने वाले हैं इस वीडियो में, तो मैं जरूर से रिएक्शन बनाऊंगी, आप लोग भी जरूर से तैयार रहना। और कहानी अभी पूरी रिवील नहीं करते बिकॉज मुझे तो समझ आ गई है कहानी क्या होने वाली है, बट देखने में मजा आएगा कि कहानी कैसे घटती है एंड क्या क्या सिक्वेंस होते हैं एंड क्या क्या ऊपर नीचे जो भी कांड होगा वो भी अभी तक नहीं शो हुआ है, तो अभी तक पता नहीं चला क्या कांड होने वाला है, चारों फ्रेंड मिलकर क्या करने वाले हैं। कुछ कुछ डायलॉग्स जो थे जो फर्स्ट पार्ट में भी थे वो भी सेकंड पार्ट में भी होने वाले हैं, मुझे लगता है बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में जरूर से बताना। ये वीडियो यहीं तक, आई होप कि आपको ये ट्रेलर देख के मजा आया होगा, मेरा रिएक्शन देख के मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड मेरा ब्लॉग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये है मेरा ब्लॉग चैनल, इसमें नया ब्लॉग आ गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, तो जरूर से जाकर चेकआउट करना। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक yourselves. Thanks for watching my video and bye bye.